बिना बोले ही पढ़ाई भी नहीं करते हैं, क्योंकि ना इनको साथ में डंडा भी चाहिए और इनको मार जब तक नहीं पड़ेगी ना तब तक दोस्तों पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं और पढ़ाई करने के लिए फिर रोते रहते हैं। गुड इवनिंग दोस्तों, और रात के 7:30 हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे सब्जी बना दी है, दाल भी मैंने चूल्हे में रखी है और साथ में यहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो इनके लक्षण, दाल भी यहाँ पे बनाने के लिए मिस्टर जी को दाल चाहिए होती है और अभी यहाँ पे चूल्हे में दाल रखी हुई है और बाहरी बच्चों के लिए अमूल और रोटी और यहाँ पे दाल भी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने आज यहाँ क्योंकि बारिश लगी दोस्तों, किसी का क्वेश्चन था कि मैं होमगार्ड की भर्ती में क्यों जाना चाहती हूँ। तो मुझे पुलिस की वर्दी बहुत, मतलब पुलिस की जो नौकरी होती है ना वो। दोस्तों आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्ते, मैं ममता स्वागत करती हूँ आपका एक नई वीडियो में। आई होप दोस्तों आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मैं ममता रोज़ की तरह आपके लिए लाई हूँ नई वीडियो। और मेरी वीडियो दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना। जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं उत्तराखंड के पौड़ी डिस्ट्रिक्ट के एक सुंदर से गांव से, केश सुंदर से, अभी जा रही दोस्तों जंगल में। और आज यहाँ बारिश लगी हुई है और यहाँ पे मेरी देवरानी का घास भी रखा हुआ है, ये देखो। और आपको एक बार यहाँ का व्यू भी बता दीजिए, यहाँ मौसम कैसा रखा है। गुड इवनिंग दोस्तों, और रात के 7:30 हो चुके हैं। मैंने यहाँ पे सब्जी बना दी है, दाल भी मैंने चूल्हे में रखी है और साथ में यहाँ पे बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। देखो इनके लक्षण, मार भी खा रहे पर फिर भी हरकतें बुरा नहीं है, बुरी हैं। और ये देखो बड़ा छोटा वाला बेटा है, ये बड़ा वाला है। और साथ में यहाँ पे डंडा भी रखा क्योंकि दोस्तों ये पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं। और आज दोस्तों मेरा मूड बिल्कुल ख़राब है, क्योंकि बताऊँ क्यों आपको एक चीज़ बताती। मैं आज सुबह से यहाँ क्या हो रहा है गढ़वाल, मतलब यहाँ मतलब उत्तराखंड में इतनी बारिशें लगी हुई हैं, ये देखो इसकी हरकतें। और यहाँ पे हमने जितना जंगलेटा मतलब घास घूस काट रखा था सारा बिक गया है। यहाँ देखो अभी यहाँ पे बहुत मोटी बारिश लगी हुई है, आपको दिखता होगा यहाँ पे। और मैंने दाल भी यहाँ पे बनाने के लिए मिस्टर जी को दाल चाहिए होती है और अभी यहाँ पे चूल्हे में दाल रखी हुई है। और यहाँ का मौसम एकदम बारिश वाला हो रखा है, बहुत ही बेकार हो रखा था, एकदम मूड ख़राब हो रखा ना बता नहीं सकती। सारा जो घास घूस काटा था वो सारा ख़राब हो चुका है। और अभी यहाँ पे दोस्तों ये हमारा किचन है और किचन में आ चुकी हूँ मैं, खेलने लगे हैं। अभी कोई बात नहीं, अभी डंडे पड़ेंगे ना तब चलेगा इनको पता। ये देखो दोस्तों यहाँ पे मैंने ऑमलेट रखा है बना के और इसमें ढक्कन रख देती हूँ क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैंने निकाल दिया था ढक्कन। और अभी दोस्तों हाल फिलहाल दोस्तों मैं ठीक है। हम बिना बोले ही पढ़ाई भी नहीं करते हैं क्योंकि ना इनको साथ में डंडा भी चाहिए और इनको मार जब तक नहीं पड़ेगी ना तब तक दोस्तों पढ़ाई बिल्कुल नहीं करते हैं और पढ़ाई करने के लिए फिर रोते रहते हैं बिल्कुल ही। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, रख इसको किनारे, रख इसको किनारे, रख ऊपर, ऊपर किताब खोल, छोड़ ऊपर। दोस्तों ये बिल्कुल भी कहना नहीं मानते, एकदम बिगड़े हुए हैं। और ये अभी कर रहे हैं पढ़ाई, मैं भी यहाँ पे रोटी आटा वोटा लगा चुकी हूँ और साथ में इनके लिए खाना खुना बना दिया है, इसके पापा का जा रहे हैं। और अभी दोस्तों आज दिन भर वीडियो नहीं बनाई, दिन भर कुछ नहीं किया आज क्योंकि मूड ख़राब हो गया था, घास घूस के ले गई मैं और बहुत ही बेकार रखा था आज मौसम, ऐसा रखा बेकार रखा है। और शायद से भर्ती भी जिनकी भर्ती रहेगी ना उनको पता नहीं क्या क्या करना पड़ा, वो हुआ हो कि नहीं हुआ, टेंशन हो रही मुझे बहुत ज़्यादा। क्योंकि जैसे दोस्तों आप अच्छा सोच चुके हो तो भगवान भी अच्छा ही करता है। दो चार दिन से दोनों दोस्तों मेरी तबीयत खराब हो गई थी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली, बुखार सबको सांस लेने क्योंकि बुखार होने ऐसे कह रहे हैं, पर बुखार नॉर्मली बुखार आ रहे हैं क्योंकि बुखार से ना नहीं ऐसे खतरनाक होता से। मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए अमूल और रोटी और यहाँ पे
यहाँ पे दाल भी बन के तैयार हो चुकी है। मैंने आज यहाँ क्योंकि बारिश लगी हुई है यहीं पे रखा है वो चूल्हा। वहाँ नीचे भी कौन जा रहा था दोस्तों, क्योंकि वहाँ पे जाने की बड़ी दिक्कत होगी गाड़ी और बहुत ही बेकार लगता है। और यहाँ पे मैंने बना रखा है तवा वाला ऑमलेट, इसको मुझे बना देना दोनों रोटो के लिए। और अब मैं की रोटी रट तो मैंने बना दी है, सब्जी सुबह बना रखी है, कड़ी भी बच रखी है। थोड़ा सा दिन की खाते हैं, लोग वेस्ट नहीं करते, गांव हो चाहे बाहर हो खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। और दोस्तों आपका दोस्तों किसी का क्वेश्चन था, किसी का क्वेश्चन था कि मैं होमगार्ड की भर्ती में क्यों जाना चाहती हूँ, तो मुझे वैसे मुझे पुलिस की वर्दी बहुत मतलब पुलिस की जो नौकरी होती है ना वो दोस्तों बहुत ही अच्छी लगती है। पहले मैंने भी ट्राई किया था 2 बार पुलिस की भर्ती में और मुझे एक्सपीरियंस था कि कितना क्या करना है क्या करना है, ऐसा था मुझे। और मैंने 2007 में आई थी शायद 2005 या 2006 में भी आई थी भर्ती, तो मेरा जो मतलब जो एम था वो पुलिस में भर्ती होने का था। और मैंने बहुत मतलब बहुत मेहनत की थी उस समय, तो एक्सलेंट आया था मैंने सारी चीज़ों में, केवल एक चीज़ को छोड़ के क्या बोलते हैं लॉन्ग जंप को, क्योंकि अब 35-36 साल के हो गए दोस्तों, तो इसलिए मतलब उतनी नहीं रहती दौड़ने की, फिर दौड़ना कि कैसे दौड़ना है, फिर काम करके बच्चों के साथ परेशानी हो जाती है। और दोस्तों मैं हूँ उत्तराखंड में, पड़ता है पौड़ी जनपद, पौड़ी जनपद एक सुंदर से गांव की, सुंदर से बहुत ही अच्छा गांव है हमारा और यहाँ पे रहते हैं हम। दोस्तों यहाँ बना दिया मैंने अंडा रोटी, 2 रोटी चिपका दी इसके साथ, सीधे 2 रोटी इसके साथ, 2 रोटी इसके साथ चक चिपका दी और बहुत ही अच्छा लगता है बच्चों को। ऑमलेट ये रखा है इसके अंदर, ऑमलेट भी रखूँगी क्योंकि ऑमलेट भी बना रखा है, दाल और यहाँ पर ऑमलेट भी रखूँगी इसके अंदर। यहाँ पे दोस्तों उनको खाना और आपके क्वेश्चनों के जवाब दे रही हूँ, मुझे अच्छा लगता है मतलब आप लोग ठीक होंगे मस्त होंगे अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं ममता आज की वीडियो इतना ही रखूँगी और खाना पीना खाएंगे दोस्तों, फिर टाइम नहीं लगेगा मुझे एडिटिंग करने का भी, क्योंकि 2 घंटे वीडियो एडिटिंग करने में लगते हैं, उसमें म्यूजिक डालो कॉपी राइट ना ऐसा म्यूजिक डालो फिर लिखो वगैरह वगैरह जो भी होता है। मैं ममता मिलूंगी खाली कि नहीं वीडियो मिलते तक मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, अच्छे से कमेंट करना, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं ममता मिलूंगी खाली नई वीडियो में, तब तक जय देवभूमि जय उत्तराखंड दोस्तों, बाय बाय।